अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं, क्योंकि कल मेरी 6 डेट की टिकट थी, रात 2 बजे मैं पाकिस्तान से निकला हूँ। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी है, मैं अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें बड़ी चीज़ें हैं जो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है, जो न्यू लोग आ रहे हैं या जो फैब इनटेक में आएंगे। ठीक है, बात यह है कि मैं पाकिस्तान से लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैठा हूँ रात 2 बजे, और मैं इधर यूके के टाइम के मुताबिक यहाँ पे शाम 7 बजे, 6-7 बजे मेरा लैंडिंग हुई है। और इसमें जो मुझसे गलती हुई है, मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग ना करें। मुझसे गलती ये हुई है कि मैं अकोमोडेशन कोई नहीं बुक करवाई थी, और मेरी, आप ये समझ लें कि मेरी शायद बदबख्ती भी है कि मेरा यहाँ पे कोई ऐसा जानने वाला नहीं है। ठीक है, एक मेरा दोस्त है और वो लंदन में था, और मुझे क्योंकि नोटिंगम लिंकन वाली साइड पे जाना था, तो वो भी मेरे लिए कोई खासा फ़ायदेमंद नहीं हो सकता था। हाँ, उसने जो फेवर करनी थी वो उसने की है। उसने मेरे आने से पहले यूके लंदन में लैंड करने से पहले मेरी बस की टिकट करवा दी थी नोटिंगम के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें शायद उसके माइंड में नहीं थी, या मेरे, मुझे भी, मैंने भी सर्च आउट नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत तंग हुआ। और वो चीज़ थी कि मैंने अकोमोडेशन बुक नहीं करवाई थी, और मुझे ये, मैंने लाहौर वाला सिस्टम समझा हुआ था कि आऊँगा रात 1 बजे आऊँ, 2 बजे आऊँ, तो होटल वगैरह खुले होंगे, 1-2 दिन वहाँ पर स्टे कर लूँगा। ये अकोमोडेशन भी जैसे लाहौर में होता है, रात को भी आप जाके कहीं भी करवा लें, तो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, हॉस्टल में ही बैठे होते हैं। लेकिन भैया, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, ये गलती आप ना कीजिएगा। पहली बात, कोशिश करें कि आप अपनी बुकिंग कोई कम से कम 1 वीक की किसी होटल में करनी पड़े, किसी भी जगह पे ऑनलाइन करके आएँ। ठीक है, अगर तो आपका जानना वाला कोई है जो आपको एडजस्ट कर सकता है, तो वेल एंड गुड। अगर कोई नहीं है तो आप वहाँ से करके आए, 1 वीक की करें, 2 दिन की करें, 15 दिन की करें, वो आप पे डिपेंड करता है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है सर, यहाँ पे रात 12 बजे के बाद कोई बुकिंग नहीं होती, तो मैं, एक, मैंने बुकिंग की नहीं थी, दूसरा, मैं नोटिंगम पहुँचा हूँ रात 1 बजे, तो वो जिस अकोमोडेशन में जाऊँ सर, कार बंद, हर चीज़ बंद, कोई नज़र ही नहीं आ रहा, शीशे लगे हुए हैं, और वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, और मैं बाहर खड़ा देख रहा हूँ, और इंक्वायरीज़ के लिए भी कोई फ़ोन नंबर नहीं है, एनीथिंग। मैं बहुत परेशान, मैं तकरीबन कोई 1 बजे बस स्टेशन से निकला हूँ, और मैं, मेरा जो पैदल डिस्टेंस है, मेरे पास बड़ा लगेज बैग भी था, और मेरे पास छोटा बैग भी था, शोल्डर बैग, तो मैंने इन दोनों के साथ तकरीबन मैं 3 घंटे चला हूँ। कोई अकोमोडेशन नहीं दे रहा था, कोई नहीं दे रहा, 1-2 रिजर्वेशन पे मुझे मिले हैं, और उन्होंने कहा कि सर 12 बजे के बाद हमें अलाउ ही नहीं है, हम आपको नहीं रख सकते, वी कांट डू एनीथिंग, इट्स सो सॉरी। परेशान, फिर होटल्स के किया, क्योंकि एक नाइट का वो कोई 150 पाउंड, कोई 80 पाउंड, कोई 100 पाउंड। फिर मैं होटल्स की जाना मूव हुआ, और होटल्स का भी यही जवाब था कि भाई ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस फ्रॉम द गवर्नमेंट वी कांट, आपका भी एडमिशन नहीं ले सकते, आपको नहीं रख सकते इस टाइम। तो वो मेरे लिए बहुत हैक्टिक था, और इवन मैं, क्योंकि चीज़ें ना आपको प्रदेश में ज़्यादा फील होती हैं, और जब मैं यहाँ पे, और था भी अकेला नोटिंगम में, मेरा कोई जानने वाला भी नहीं था। हाँ, जो मेरा दोस्त लंदन वाला है, वो बिल्कुल मेरे साथ रबते मेरा, ये मैं बिल्कुल भी अब नहीं कहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद कोई नहीं पूछता, उसके बस में जितना था उसने बिल्कुल किया है, इवन उससे बढ़ के किया। ठीक है, और होटल्स भी मैंने तकरीबन को 5-7-8-9 मूव किया, और सभी ये कह रहे थे कि हम नहीं। एक फिर बंदे से मिला, वो पाकिस्तानी था, वो भी रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, और रिसेप्शन वाले ने मुझे फिर एक होटल का नाम बताया, IBS के नाम से, नोटिंगम सेंट्रल सिटी में। उसके पास गया, उसने भी मुझे कहा कि ठीक है, आप आ जाएं, आप किस पर्पज़ के लिए आए हैं, स्टूडेंट हैं, आपको एक नाइट का 100 पाउंड पड़ेगा, और रात तकरीबन कोई 3:30 का टाइम था जब मैं होटल में जी गया हूँ, और उन्होंने कहा कि भाई
हम 3:30 बजे आपकी बुकिंग कर रहे हैं, बट बात ये है कि आपको 12 बजे दिन के टाइम, सुबह 12 बजे आपको होटल से मूव करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये क्या रीज़न है? ना भाई इट्स पॉलिसीज। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो मजबूरी थी भाई, अब 100 की बजाय 200 भी मांगता, जितना मैं थका हुआ था। 3 घंटे मैंने पैदल सफ़र किया और यहाँ पे वो घाटियाँ थी, कभी ऊपर चढ़ो कभी नीचे चढ़ो, कभी वो इस तरह के आ जाती है सड़क, कभी कैसे कभी कैसे, और लिटरली मैं तो रोने वाला हो गया था। और रूम में आके इवन मैं रोया भी हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इवन फिर मुझे मिल गई अकोमोडेशन और मैंने वहाँ पे नाइट स्टे किया। रात 4-5 बजे सोया, सुबह 10 बजे ऑटोमेटिकली आँख खुल गई। मैं 12 बजे से पहले ही मैंने चेकआउट कर दिया। और उसके बाद कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं इंसान की लाइफ में, अगर अल्लाह पाक से आप दुआ करते रहें। मैंने निकलने से पहले अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह कोई हूँ कल्ला बंदा आ गया, मेरा तो इतने कोई है भी नहीं था, तो हूँ कुछ करो। मैं निकला हूँ, मैं बाज़ार में गया हूँ और वहाँ पे एक लड़का था, और उससे मैंने शक्ल से ही ना बंदे को आइडिया हो जाता है कि वो कौन है। मुझे लगा ये या तो पाकिस्तान से है और या इंडिया से। मैं उसके पास गया, उससे बातचीत की, उसने मुझे एक मशवरा दिया। उसने मुझे कहा कि भैया आपकी यूनिवर्सिटी लिंकन है और आप नोटिंगम में क्यों रहना चाह रहे हैं? मैंने कहा जॉब कंसर्न ही होते हैं बेसिकली। उसने कहा नहीं, अभी आप जब तक सेटल नहीं होते आप लिंकन मूव करें, जब सेटल हो जाएं या चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं फिर आप नोटिंगम में आएं। उसके मशवरे ने थोड़ा सा मुझे मुतमिन किया और मैंने नोटिंगम का लिंकन का माइंड बनाया। और उस भाई ने ये भी फेवर की कि मुझे ऑनलाइन टिकट बुक करवा के दी, कोई इंडियन भाई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। उन्होंने मेरी टिकट भी बुक करवाई अपने कार्ड से, मैंने उनको कैश दिया, ठीक है। इवन उन्होंने फिर मुझे, उनका एक जानने वाला था लिंकन में, उससे मेरा कांटेक्ट करवाया, खुद बात की और मुझे उनका नंबर शेयर किया, अपना नंबर शेयर किया, मुझे टिकट करवा के मैप लगा के मुझे स्टेशन पे भेजा। मैं स्टेशन पे बैठा, मैंने दो उस उनके दोस्त को यहाँ पे मैसेज किया और वो भाई के मैंने उन्होंने मुझे अपना एड्रेस सेंड किया, मैं उनके पास गया। उन्होंने भी बहुत अच्छा ट्रीट किया मुझे। और यहाँ पे मसला ये एक और भी है कि यहाँ पे सैटरडे और संडे को अकोमोडेशन बंद होती है। यहाँ पे आप रिजर्व अगर करवाई हुई है तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट जाके चेक इन नहीं करवा सकते। तो आज क्योंकि सैटरडे है तो भाई ने मुझे बताया कि आज तो आपकी बुकिंग होगी नहीं, रिसेप्शन वाले हैं ही नहीं, वो छुट्टी पे होते हैं। फिर मैंने कहा कि अब भाई को ही एडजस्ट करें। उन्होंने कहा मेरे साथ तो ऑलरेडी एक दोस्त रह रहा है, वो भी साथ था भाई, वो भी इंडिया से, तीनों इंडिया, चारों इंडिया के हैं और सिख भाई हैं, एक मुसलमान है सुफियान नाम का और एक दविंदर है शायद नाम, दविंदर दविंदर वो भाई है। उन्होंने फिर दविंदर भाई को कॉल की कि आपके पास कोई अकोमोडेशन है 2 दिन के स्टे के लिए, स्टूडेंट है पाकिस्तान से आया, बहुत थका हुआ है, मजबूर है। उन्होंने कहा ठीक है ले आए। अब वहाँ से फिर वो दोनों भाई मेरे लगेज उठा के रास्ते में उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कुछ खाना है? मैंने कहा भाई जाहिर है। फिर उन्होंने मुझे कुछ खिलाया भी और अच्छा खिलाया। और अब मुझे ये दविंदर भाई के पास छोड़ के गए हैं जिनके पास मैंने सैटरडे और संडे स्टे करना है। मंडे को मैं यहाँ से मूव करूँगा उसी अकोमोडेशन में जहाँ पे वो सुफियान लोग रह रहे हैं। और ये मेरा टोटली जर्नी है, जो कि मैंने चीज़ें, मुझे हर्डल पेश आई हैं, मैं बेसिकली वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों से आपने बचना है, बाकी जो जो मेरी लाइफ में होता रहेगा या जहाँ पे मैं एक्सपीरियंस करूँगा मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगा। आप भी मुझे सपोर्ट्स किए करें और बहुत शुक्रिया।